हेलो हेलो, मैं हूँ जेडी और आप मेरे साथ देख रहे हैं पत्ते की बात। तो आइए चलिए इस पोकर की दुनिया में जहाँ किस्मत से ज्यादा दिमाग काम आता है। हे गाइस, वेलकम। एंड मेरे को तो मजेदार ये जो पॉकेट 52 पोकर स्पोर्ट्स लीग सीजन 3 वर्चुअल के वाइल्ड कार्ड्स के गेम देखने को मिलता है ना, मुझे उसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होता है। तो आइए, एक हैंड जो इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हुआ था ये हुआ था वैभव शर्मा और लक्ष्यपाल के बीच में। तो चलिए इस हैंड को देखने चलते हैं। स्टार्टिंग में श्रीकांत और आशीष के पास इतने अच्छे हैंड्स नहीं है एंड अर्श भी फोल्ड करते हुए आए थे इस गेम में। जल्दी जल्दी जैसे एक्शन फॉरवर्ड होगा, सो द हैंड स्टार्टेड विद लक्ष्यपाल बटन पे सेवंस के साथ बैठे हैं, ब्लाइंड्स 150। सो लक्ष्य सेवंस के साथ बटन में बैठे हैं, ब्लाइंड्स 120, 240, 30 बिग ब्लाइंड से ज़्यादा है उनके पास। आराम से इतना अच्छा हैंड बटन पे आया है, यहाँ डेफिनेटली रेस तो देखने को मिला था। एंड वैभव को देखिए, यहाँ पर ऑलवेज मिस्चीवियस देख रहे हैं। उनके पास किंग 9 है और एक एग्रेसिव ओपोनेंट ने बटन ओपन किया है, सो वो किंग ब्लॉकर है उनके पास जो उनके ओपोनेंट को थोड़े हैंड्स होने से प्रोबेबिलिटी कम करता है। सो अगर वो इस हैंड से आना चाह रहे हैं तो वो क्या सोच के आते हैं कि मैं अग्रेसर बन के आऊंगा यहाँ पर, क्योंकि मेरा ओपोनेंट बहुत ज़्यादा रेस करके आ रहा है बटन। सो ही डिसाइड्स टू थ्री बेट दिस हैंड, री रेस किए हैं 1785। और लक्ष्य के पास बहुत अच्छा हैंड है इस स्पॉट के लिए। अब वो कभी कभी यहाँ पर ऑल इन भी कर सकते हैं। आई थिंक सेवंस टू बी ऑनेस्ट इज द लेस हाई वेरियंस प्ले व्हेन यू गो ऑल इन। मतलब आपको काउंटर इंट्यूटिव लगता है कि लेस वेरियंस प्ले व्हेन यू गो ऑल इन, पर वही बात है कि आपका ओपोनेंट बहुत बार स्क्वीज करेगा एंड यू गेट थ्रू विद सेवंस एज वेल, वो फोल्ड करेगा। पर यहाँ पर लक्ष्य डिसाइड्स टू कॉल, 30 बिग ब्लाइंड्स इफेक्टिव। वैभव यहाँ पर किंग हाई है, बोर्ड देखिए एस एस एस, कौन क्या रिप्रेजेंट करना चाहता है यहाँ पर। अभी किसी के पास स्क्वाड्स हो सकते हैं स्ट्रेट अप। एंड वैभव को देखिए, बड़ी बेट तो करने की जरूरत ही नहीं है इस बोर्ड में। मतलब उनके पास अगर प्री फ्लॉप पहले से किंग्स थे क्वींस थे तो इस बोर्ड में कोई डर नहीं है, वो चाहते ही हैं हैंड्स लाइक सेवंस कॉल करे। एंड अगर उनके पास एस है तो वो क्वाड्स है उनके पास, तो क्या डर। तो ही बेट स्मॉल एंड लक्ष्य कंटिन्यूज। अब ये जब किंग टर्न पे आया है तो वैभव के लिए ऑब्वियसली हैंड इंप्रूव हुआ है। ही नाउ बीट्स हैंड्स विच आर एग्जैक्टली सेवन एट्स, आई थिंक सेवन एट्स नाइन्स, उससे बड़े हैंड्स तो मेरे हिसाब से लक्ष्य थोड़ी और तरह से हमेशा ही खेलेंगे। एंड अब देखिए, उन्हें ये लग रहा है कि अब मैं एक्सट्रैक्ट किससे करना चाह रहा हूँ वैल्यू। तो वही है, बात तो वही आ गई है कि उनको लग रहा है उनके ओपोनेंट पे यहाँ पर छोटे पेयर्स हो सकते हैं जिनसे एक्सट्रैक्ट वैल्यू करनी है। करनी है तो कितनी करनी है, ही गोज क्लोज टू लाइक 20%, थोड़ा 20% से ज़्यादा है। लेकिन आप देख रहे हैं, इससे बड़ी बेट करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर ओपोनेंट के पास एस है तब तो आप एक तरह से अपने को फंसा ही चुके हैं वो टर्न पे किंग लगा के। लेकिन अगर आपको सही में एक्सट्रैक्ट और चीज़ों से भी वैल्यू करनी है तो यहाँ इस बेट को कर रहे हैं वो। लक्ष्य के लिए ये बहुत गंदा टर्न है, कुछ हैंड जो ब्लफ कर रहे थे प्री फ्लॉप, किंग जैक, किंग टेन, किंग नाइन जैसे यहाँ पर है, अब वो उसको भी नहीं हरा रहे हैं। एंड अगर रिवर पे सेवन भी आ गया, इट डजंट इंप्रूव हिज हैंड बिकॉज सेवंस फुल तभी भी बड़े वाले नहीं बनेंगे। एंड रिवर इज अ सिक्स, तो वैभव को एक तरह से अब चीज़ क्या हरा रही है, सिर्फ एस, बाकी और कोई हैंड है ही नहीं। तो उन्हें वैल्यू निकालनी है बाकियों से। अब वो यही सोच रहे हैं कि क्या साइज बेट करें। दिमाग में उनका ये होगा, अगर मैंने बेट किया और स्नैप कॉल आ गई तब तो मैं हार रहा हूँ, पर अगर मेरा ओपोनेंट थोड़ा सोच लिया मैं कॉल चाहता हूँ फिर। तो देख रहे हैं वो थोड़ा सोच रहे हैं, पूरी सोच में लगा हुआ है वैभव। पॉट में 8000 एनी शव्स, देयर इज दैट पॉकेट 52 ऑल इन एंड लक्ष्य इज नाउ इन द टैंक। एंड थोड़ा देख रहे हैं वैभव इज नाउ लाइक, चलो अब कॉल चाहिए, क्योंकि अगर वो स्नैप कॉल आती तो वो क्वाड्स वाली कॉल होती एंड वैभव को वो नहीं चाहिए था। एंड नाउ ही इज लविंग लाइफ बिकॉज इज लाइक, अगर मेरे को जो हैंड्स हरा रहे थे वो अभी तक कब का कॉल कर चुके होते तो अब मुझे कॉल चाहिए। मेरे हिसाब से दिस हैंड कुड हैव गॉन डिफरेंटली प्री फ्लॉप एज वेल, वेयर लक्ष्य कुड हैव शव्ड। एंड आई थिंक टर्न के बाद लक्ष्य को सेवंस खेलने हमेशा ही दिक्कत होने वाली है, अनलेस वैभव गिव्स अप ऑन द रिवर, वेयर आई डोंट थिंक वेयर वैभव गिव्स अप ऑन अ लॉट ऑफ ब्लफ्स ऑल्सो। तो दैट वॉज द प्ले एंड वैभव, लुक एट हिम, ही इज हैप्पी विनिंग द पॉट।